सुजाता किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चपाती पैटीज बनाएंगे। यहाँ पे हमने चपाती लंबे आकार में इस तरह से काट के लिया हुआ है। एक चपाती में हमने आकार बना के लिया हुआ है, सभी इसी तरह से बना के लिया हुआ है। हम यहाँ पे 250 ग्राम चने का आटा लिया हुआ है, इसको हम मिक्स करके लेंगे। इसमें डालने के लिए मिर्ची पाउडर हमने एक चम्मच लिया हुआ है, आधा चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिया हुआ है। इसमें मिक्स करने के लिए लिया हुआ है। हमने यहाँ पे 5 आलू लिए हुए बॉइल किए हुए, उसका छिलका निकाल के लिया हुआ है। तड़के के लिए हमने 2 चम्मच यहाँ पे तेल लिया हुआ है। यहाँ पे हमने 2 कांदे बारीक काट के लिए हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने आधा चम्मच लिया हुआ है। 4-5 मिर्चियाँ हमने मिक्सर में बारीक करके लिए हुए, जीरा हमने आधा चम्मच लिया हुआ है, आधा चम्मच हमने यहाँ पे राई लिए हुए, आधे से आधा चम्मच यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया हुआ है, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, एक छोटी चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिया हुआ है, धनिया पाउडर हमने यहाँ पे 1 चम्मच लिया हुआ है। धनिया पत्ता हमने यूज किया हुआ नहीं है, इसीलिए हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको मिक्स करके लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें। इसको ज्यादा पतला नहीं करना है और ज्यादा बट भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मली आटा होना चाहिए हमारा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ले, हमने इसको मिक्स करके लिया हुआ है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 फोड़ के लेंगे इस तरह से। और गरम आलू रहेंगे तो आप ठंडा करने के लिए छोड़ दें। हमने यहाँ पे ठंडा करके लिया हुआ है आलू। पे हम गैस ऑन कर देंगे। तेल को हम इसको गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम इसमें जीरा राई डाल देंगे। जीरा राई हमारा अभी गर्म हो चुका है, अभी हम गैस बंद कर देंगे। थोड़ा उसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम ये मसाले मिक्स करके लेंगे। इसमें सारे मसाले हम एक साथ में मिक्स करके लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके लें। कांदा हमें एकदम बारीक काट के लेना है। तेल हमें इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा मिक्स करके ले। जीरा राई के तड़के से अच्छी तरह से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम तेल गरम करके लेंगे। हमने यहाँ पे गैस ऑन करके हमने एक पैन रखा हुआ है, हमने इसमें तेल रखा हुआ है। तेल हमारा गरम हो चुका है, अभी हम एक एक करके बना के लेंगे। आधा चपाती को ही लगाएंगे, इस तरह से इसको मोड़ ले, इसको दबाए इस तरह से। तरह से इसको पलट ले। दूसरा भी हम इसके बाजू में डाल देंगे। तेल ज्यादा है इसके लिए। कौन सा है अभी हम इसको निकाल के लेंगे। इसको पलट ले। एक एक करके हम इसी तरह से सारे बना के लेंगे। हमने सारे पैटीज बना के लिए हुए, आप देख सकते हो यहाँ पे 10-15 हमारे पैटीज बन चुके हैं। हमारे घर में 6 मेंबर है, 2-2 तो खाने में होना चाहिए, नाश्ते में होना चाहिए, इसीलिए हमने बनाया हुआ है। ये हमने ताज़े चपाती के बनाया हुआ है। अगर आप चाहे तो रात की चपाती अगर बचेगी तो आप बना के बच्चे लोग को खिला सकते हो, आप खा सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ है ये। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप अपने घर में ट्राई जरूर करें और मुझे बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।